तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग कर लेते हैं वैसे बेसिक बात जो हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके बिना शायद केमिस्ट्री का किसी भी टॉपिक को हम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ देता है और अगर हम नहीं बताते हैं तो शायद शर्म वाली बात है। हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन आज उनको भी जान लेना है जिनका केमिस्ट्री बिल्कुल ख़राब है या केमिस्ट्री के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, उनको भी केमिस्ट्री आज से अच्छा लगने लगेगा अगर आप रेगुलर रहेंगे तो। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल बात है बाबू कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछ देते कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो हम लोग एक सिंपल सा इसका डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग टॉपिक बना लेते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आप लोग अपने कॉपी में टॉपिक बना लीजिए, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो इसका छोटा सा डिफिनेशन हम लोग फर्स्ट लिख लेंगे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है बाबू, तो जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैटर के बारे में क्या क्या, तो उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका कंपोजिशन देखते हैं, वो निर्माण कैसे हो रहा है, संरचना उसका कैसे हो रहा है, उसका सिद्धांत क्या, उसका प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब आपको पता जरूर हो गया होगा केमिस्ट्री क्या है बाबू, तो केमिस्ट्री वो है जिसके अंतर्गत, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं, ये जो मैटर है, मैटर आखिर बना किससे है, तो ये बना है बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से, जो पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल के रूप में होंगे, तो ये एटम मॉलिक्यूल से ही ना मिलकर एक मैटर बना होगा। ऐसे तो एटम मॉलिक्यूल सब क्या है, मैटर है। यानी दुनिया में हमारा जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं, सबका सब क्या है, मैटर है। तो इसको हम एक छोटा सा डिफाइन और कर सकते हैं कि इसका डिफिनेशन और भी क्या बन सकता है, तो हम कह सकते हैं बाबू सच, यानी इसको हम एक और तरह से कैसे बताएं, तो सच ब्रांच ऑफ किसका है बाबू, साइंस इन विच स्टडी और डील्स अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी स्टडी करेंगे, तो भी हमारा क्या कहलाएगा बाबू, केमिस्ट्री कहलाएगा। अब यहाँ पर ये तो डिफिनेशन हो गया, आप याद भी इसे कर लेंगे और बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे, ये भी हमारा उम्मीद है, लेकिन हम इसे और शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि जिसके अंतर्गत हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में डिफिनेशन कर सकते हैं क्या, कि वी स्टडी अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी आसान से भाषा में हम बोल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले आप केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री का डिफिनेशन जानेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी हमको कितने तरह के केमिस्ट्री पढ़ने हैं, वो सभी को भी डिफाइन हम लोग कर देते हैं। आप लोग क्लास का नोट्स जरूर बनाते रहिएगा अपने कॉपी में, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर दे पाएँ, आप घर बैठे अच्छे तरह से समझ पाएँ। तो चलो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं बाबू
टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का प्रकार। तो केमिस्ट्री बाबू जनरली मेन थ्री टाइप्स के, ऐसे तो इसका बहुत सारा टाइप्स है लेकिन हमको जितना ज़रूरत है, हम जितना पढ़ना चाहते हैं उतने के बारे में देखेंगे। तो मेन थ्री टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन बाबू? तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक बात बता देना चाहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री है क्या। तो बाबू विच स्टडी अबाउट अ स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैटर, ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो पदार्थों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बाबू, तो इसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में, वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में, किसके बारे में, स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो इससे कंपाउंड बनेंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं बाबू, तो वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड हिज डेरिवेटिव्स। बस यही है हमारा तीनों पार्टिकल। तो चलो सबसे पहले आप लोग टॉपिक बना लो बाबू, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री नीचे लिखेंगे, एरो के निशान देकर लिखेगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो सबसे पहले आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री लिखकर डैश दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री लिखकर डैश दीजिए, लिखेगा बाबू फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट a structure and various principle of matter is called क्या बाबू, physical chemistry। यानी physical chemistry में हम लोग various principle, उसके संरचना structure के बारे में देखते हैं। किसके संरचना स्ट्रक्चर, तो किसके प्रिंसिपल को देखते हैं, तो जो भी हमारे मैटर में जो भी हमारा प्रिंसिपल्स होगा, उसके जो भी नेचर होंगे उसके बारे में देखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। चलो जल्दी से आप लोग डिफाइन को नोट कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट अ स्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकेंड टॉपिक बनाएगा बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर डैश देगा। लिखेगा बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट एलिमेंट्स एली
मेंट्स एंड हिज कंपाउंड एंड हिज कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग एलिमेंट्स और उससे बने जो भी कंपाउंड होंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसे हम और अच्छे तरह से डिनोट कर सकते हैं और सिंपल तरह से शॉर्ट तरह से डिनोट कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स होता है आखिर वो कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं बाबू धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे से, जिसको हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके डिफिनेशन में हम लोग चेंजिंग भी ला सकते हैं। तो पहला डिफिनेशन अगर आप लोग नोट कर लिए तो दूसरा डिफिनेशन, एक छोटा सा डिफिनेशन जो काफ़ी खास है उसको भी आप लोग डिनोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट मिनरल्स। बस यानी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसके बारे में बाबू, तो मिनरल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो जल्दी से आप इसको भी याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अच्छे तरह से बता सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि वी स्टडी अबाउट मिनरल्स या वी स्टडी अबाउट किसके बारे में, एलिमेंट्स एंड हिज प्रिंसिपल एंड हिज कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए टॉपिक बना लीजिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर डैश दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर डैश दीजिए, लिखेगा बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच अ स्टडी और डील्स अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड हिज डेरिवेटिव्स। ठीक है, या इसके स्थान पर और हम लोग कर सकते हैं डेरिवेटिव्स और हिज कंपाउंड यानी उसके जो भी कंपाउंड बनेंगे, डेरिवेटिव्स या उसके जो भी कंपाउंड बनेंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में या उसके यौगिक के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी डिफिनेशन आपको सच में याद हो गया होगा, अभी याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया तो आप कमेंट में बताइएगा सर हमको याद हो गया, आप हमको एक थंब का जरूर साइन दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। तो चलो बाबू सबसे पहले आज का क्लास में ये इंट्रो होना काफ़ी ज़रूरी था, ये डिफिनेशन होना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग डिफिनेशन के बगैर काम नहीं कर सकते। अगर आपको सब चीज़ समझ में आता है और उसका अगर मेन पार्टिकल जो होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल बात होते हैं, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो शायद आपका वो सभी स्टडी अधूरा है जिसको आपने पहले से पूरा किया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर देखें और वैसे स्टूडेंट्स को जोड़ें जिनको कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री, हम उनको सिखाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग का ए रहा, सेकंड क्लास में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कुछ एलिमेंट्स को याद करेंगे क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं और केमिस्ट्री का शुरुआत मैटर से हो रहा है, तो मैटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एलिमेंट्स, जिससे केमिस्ट्री का सब दिन नाता है, सब दिन रिश्ता है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे बाबू, उसके बाद हम लोग कुछ वैलेंसी के बारे में देखेंगे जो हमको याद करके रखना है, जो हम लोग काम में लाएंगे। इसके बाद हम लोग का एटम यानी पहला चैप्टर हम लोग का शुरू हो जाएगा और पहला चैप्टर अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, मैटर के बारे में काम करेंगे, मैटर से रिलेटेड काम करेंगे।